महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती के लिए प्रतिदिन कहाँ से आता है ताजा भस्म? बाबा वो जैन में महाकाल मंदिर है, वहाँ पे भस्म आरती होती है रात को 3 बजे। ताजे मुर्दे के उसमें भस्म चढ़ती है। रोज कहाँ से आएंगे? ये पहले पहले कोई तो मरा होगा, बहुत चलती है वहाँ। हाँ तो कोई तो पहले पहले मरा होगा सवेरे सवेरे 3 बजे। अमृत वेला कभी भी शुरू होता है 2-3 बजे अमृत वेला शुरू होता है। तो जब सतीगुरु की सवेरा शुरू हुआ होगा, एवर लास्टिंग सुख की दुनिया जब शुरू हुई होगी तो वो संगम में शुरू हुई होगी या सतयुग में शुरू हुई होगी? संगम में उस सतयुग की दुनिया शुरू हुई है। तो वो 2-3 बजे अमृत वेला कोई ने तो पहले करी छोड़ा होगा। किसने छोड़ा होगा? वो शंकर वाली आत्मा, वो राम वाली आत्मा, उसने अपने को भस्म बनाया। देह अभिमान को क्या किया? देह को भस्म बनाया, देह अभिमान को भस्म बनाया और उस भस्म को सबसे पहले पहले ईश्वर को अर्पण कर दिया। तो वो ऊंची पे ऊंचा जैन हो गया। जैन उत माने ऊंचा, जैन माने इंद्रियों को जीतने वाला। जो इंद्रियों को जीतने वाले का फॉलोअर है वो जिन कहा जाता है। जिन के फॉलोअर को जैन कहा जाता है। तो उज्जैन कौन हुआ? वो उज्जैन है जहां रात्रि को अमृत वेले पहले पहले भस्म चढ़ाई जाती है शिवलिंग पर। वहाँ पर कोई भी राजा जैसे मंत्री हुए या कोई भी हो रात नहीं रुक सकते, रात रुकते तो मजा आता। आज भी ऐसा मतलब कोई भी राजा जाता है वहाँ पर, मंत्री जाते हैं तो वहाँ रुकते नहीं है, वो एक आउट ऑफ सिटी जाते हैं। जहाँ ऐसी स्टेज बनी हुई होगी जो देह अभिमान की सबसे ऊंची स्टेज को पार करेंगे 8, वहां पर आज की दुनिया के बड़े बड़े आदमी पहुंच पाएंगे? हाँ? तो वो वहां नहीं रहते हैं। वहां अगर गए भी खुदा न खास्ता तो ज्ञान में से मर जाएंगे, उन्हें अनिश्चय पैदा हो जाएगा।